नमस्कार, स्वागत है आपका। चुनाव हो गया, नतीजे आ गए, अब इंतजार नई सरकार का है। 30 तारीख को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री दूसरी बार शपथ लेंगे, उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसी होगी प्रधानमंत्री मोदी की नई टीम, दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी के साथ कौन कौन चेहरे होंगे। अटकलों का दौर शुरू हो गया है क्योंकि माना जा रहा है कि पिछले मंत्रिमंडल के कई नेता अलग अलग वजहों से इस बार मंत्रिमंडल से बाहर रह सकते हैं और उनकी जगह नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। कई नेताओं का कद बढ़ सकता है। एबीपी गंगा को भरोसेमंद सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके आधार पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसी हो सकती है मोदी की नई कैबिनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट की ये तस्वीर अब नए रंग रूप में नए तेवर के साथ सामने आने वाली है। इस तस्वीर के कई चेहरे मोदी की नई कैबिनेट में नजर आएंगे, कई चेहरे पहले से ज्यादा ताकतवर नजर आएंगे, कई चेहरे ऐसे भी हैं जो नई कैबिनेट से नदारद हो सकते हैं, जिनकी जगह मोदी ब्रिगेड के नए चेहरे शामिल होंगे। प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सत्ता में वापसी करने वाली बीजेपी के लिए अब पहला एजेंडा है नई सरकार का चेहरा। अब समूचे देश की निगाहें मोदी के मंत्रिमंडल पर है। आखिर कैसा होगा मंत्रिमंडल का चेहरा, कौन कौन मंत्री होंगे शामिल, किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा, पुराने मंत्रिमंडल के कौन कौन लोग होंगे, किस किस मंत्री को दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता, ये कई सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द अटकलें चल रही हैं। सूत्रों की माने तो मोदी की पुरानी कैबिनेट में सबसे अहम मंत्रालय वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले अरुण जेटली इस बार कैबिनेट में नहीं दिखाई पड़ सकते हैं। सूत्रों की माने तो जेटली सेहत की वजह से किसी मंत्रालय की जिम्मेदारी ना लेने की बात कर सकते हैं। पिछली सरकार में पीएम मोदी के बाद जेटली ही सबसे खद्दावर मंत्री रहे हैं और माना जा रहा है कि अगर उनकी सेहत का सवाल सामने नहीं आया तो एक बार फिर किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कैबिनेट में नजर आएंगे। मोदी कैबिनेट की एक और सबसे अहम मंत्री रही सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की सेहत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। इस बार सुषमा ने लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा है, यानी सुषमा इस वक्त संसद के किसी भी सदन की सदस्य नहीं है। हालांकि सुषमा स्वराज का विदेश मंत्री का कार्यकाल काफी सराहनीय माना जाता है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी नई कैबिनेट में जगह देते हैं तो राज्यसभा के जरिए या लोकसभा के किसी उपचुनाव के जरिए संसद का रास्ता साफ किया जा सकता है। बीजेपी की फार ब्रांड नेताओं में शुमार और मोदी सरकार की पहली कैबिनेट में मंत्री रही उमा भारती। माना जा रहा है कि नई कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी। सुषमा की तरह उमा ने भी इस बार चुनाव नहीं लड़ा। इससे पहले 2014 में वो झांसी संसदीय सीट से चुनाव जीत कर आई थी। फिलहाल उमा किसी भी सदन की सदस्य नहीं है, ऐसे में उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावनाएं कम ही हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार कलराज मिश्र भी मोदी की नई कैबिनेट से बाहर है, क्योंकि कलराज मिश्र की उम्र को देखते हुए पार्टी ने इस बार उन्हें चुनाव मैदान से दूर रखा। 75 साल से ज्यादा होने की वजह से कलराज मिश्र को पार्टी ने आराम देने का फैसला किया था। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल रहे मनोज सिन्हा चुनाव हार गए। 2014 में गाजीपुर से सांसद रहे मनोज सिन्हा के पास केंद्र में संचार मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार था, तो दूसरी तरफ रेल राज्य मंत्री का जिम्मा भी। हालांकि मनोज सिन्हा के चुनाव हारने के बाद उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हो गई। माना जा रहा है कि राज्यसभा या लोकसभा उपचुनाव के जरिए मनोज सिन्हा को उतार कर उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस अलावा कई और मंत्री हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहते हुए अपनी सीट बचाने में नाकाम रहे हैं। हरदीप पुरी मोदी सरकार में शहरी विकास राज्य मंत्री रहे जो अमृतसर से चुनाव हार गए। गृह राज्य मंत्री रहे हंसराज गंगाराम अहीर भी महाराष्ट्र के चंद्रपुर सीट से शिकस्त पा चुके हैं।
इसके साथ ही वित्त और जहाजरानी राज्य मंत्री रहे पी राधाकृष्णन भी हार गए हैं। मोदी सरकार के पर्यटन राज्य मंत्री रहे अल्फोंस कन्नन्थनम केरल की एर्नाकुलम सीट से हार गए हैं। वहीं सहयोगियों में शिवसेना नेता और केंद्रीय मंत्री रहे अनंत गीते भी हार गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनने वाली सरकार का सबसे चर्चित चेहरा अगर कोई माना जा रहा है तो वो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का, जिन्होंने गांधीनगर से अपनी जीत दर्ज कराई है। गांधीनगर की सीट कभी लाल कृष्ण आडवाणी की हुआ करती थी। शाह ने इस पर जबरदस्त जीत दर्ज की है। माना जा रहा है इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बीजेपी चीफ अमित शाह भी शामिल होंगे और उन्हें गृह या वित्त में से कोई एक मंत्रालय दिया जा सकता है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल रक्षा मंत्री का पद बीजेपी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय सेना और पाकिस्तान में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की भी काफी चर्चा हुई है। ऐसे में सरकार एक मजबूत रक्षा मंत्री के तौर पर शाह को यह अहम पद दे सकती है। हालांकि सूत्रों की माने तो आरएसएस को एक फिक्र भी है कि अगर अमित शाह जैसा कुशल नेतृत्व भाजपा संगठन से दूर होता है तो संगठन कमजोर न पड़ने लगे, क्योंकि देखिए जो पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट लेके आए अमित शाह, उसने पूरी तस्वीर बदल दी और नतीजे आपके सामने हैं। और एक बात और, सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि अमित शाह की जो इच्छा है, अगर उनको कैबिनेट में आना पड़ता है तो वो वित्त या गृह में से कोई मंत्रालय लेंगे। मोदी सरकार में कौन कौन शामिल होगा इसे लेकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं। जिन चेहरों की दावेदारी पक्की है उन्हें सिर्फ पुराने मंत्रिमंडल के आधार पर माना जा रहा है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। उन्हीं में से एक नाम माना जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे का, जिन्हें मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया जा सकता है। सहस्रबुद्धे का दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी जैसा एक वैचारिक बुद्धिजीवी चेहरे की कमी पूरी की जा सके, साथ ही जो भरोसेमंद भी हो। छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रहे सहस्रबुद्धे महाराष्ट्र से राज्यसभा के सांसद हैं। विनय सहस्रबुद्धे बीजेपी के थिंक टैंक में शुमार किए जाते हैं। सहस्रबुद्धे फिलहाल तो मध्य प्रदेश के प्रभारी रहे, लेकिन पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। 2014 में बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट समिति के सदस्य रहे। इसके अलावा 2009 में नितिन गडकरी के बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए राजनीतिक सलाहकार भी रहे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके गढ़ में हराने वाली स्मृति ईरानी का केंद्र में कद बढ़ना तय माना जा रहा है। ईरानी पिछली बार यहां से चुनाव हार गई थी, इसके बावजूद उन्होंने अमेठी को अपने चुनाव क्षेत्र की तरह माना और लगातार वहां जाकर प्रवास करती रही। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी मोदी कैबिनेट की अहम मंत्री रही हैं। उन्होंने मानव संसाधन और सूचना प्रसारण मंत्रालयों का कामकाज भी देखा। हालांकि कुछ विवादों के चलते दो बार उनके मंत्रालय बदले गए। इसके बावजूद सरकार और पार्टी में उनकी अहमियत बनी रही। अमेठी की जीत के बाद स्मृति ईरानी की स्थिति भाजपा के भीतर और मजबूत हुई है। आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनकी भूमिका अहम हो सकती है। उन्हें किसी महत्वपूर्ण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देश के सबसे बड़े सूबे ने एक बार फिर से मोदी सरकार की वापसी में अहम योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को 64 सीटें मिली हैं, जिनमें से कुछ नए चेहरों को भी मौका मिला है। लेकिन 17वीं लोकसभा में कुछ नया देखने वाला है, क्योंकि अगर पिछली सरकार की बात करें यानी 2014 की, तो यूपी से मोदी के मंत्रिमंडल में यूपी के कई सांसदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि यूपी से कितने मंत्री सरकार में चुनकर आते हैं। वैसे तो मोदी सरकार ने अपने दम पर बहुमत जुटा लिया है, लेकिन उसके सहयोगियों का योगदान भी खासा अहम है। ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी सरकार में सहयोगियों को तो मौका मिलेगा ही, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक का खास ख्याल रखा जाएगा। इस बार जेडीयू भी सरकार में शामिल हो सकती है। नतीजों से ठीक पहले एनडीए नेताओं की बैठक, नतीजों के बाद कई तस्वीर खींच गई थी। पीएम का भव्य स्वागत, नीतीश के सरकार में शामिल होने का ऐलान, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की मौजूदगी, ये बताने लगी थी कि नतीजों के बाद सरकार का चेहरा क्या होगा। 2014 में 282 सीटें यानी बहुमत से 10 सीटें ज्यादा हासिल करने वाली बीजेपी ने अपने सहयोगियों को मंत्रिमंडल में न केवल जगह दी बल्कि अहम पदों से भी नवाजा।
पांच साल बाद पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर बीजेपी ने जहां अकेले 303 सीटें जुटा लें, तो वहीं सहयोगियों ने भी 49 सीटें झोली में डाल दी हैं। इसमें कई राज्यों में सहयोगियों की जीत मायने रखती है। बीजेपी की अहम सहयोगियों में से एक जेडीयू ने बिहार में उसका साथ बराबर दिया है। जेडीयू ने 16 सीटें दर्ज करवाए हैं। हालांकि नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कर चुके थे कि उनकी पार्टी सरकार में शामिल होगी। इसके अलावा माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना के नेताओं को भी शामिल किया जा सकता है। दरअसल बंगाल बीजेपी के लिए वो राज्य रहा है जहां उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ममता बनर्जी को पटखनी देने के लिए जिस तरह बीजेपी ने यहां अपना काडर खड़ा किया और चुनौती दी, उसने ममता बनर्जी को भी हिला दिया था। कई मुद्दों पर केंद्र सरकार के साथ सीधे टकराव ने बीजेपी को यहां पैर जमाने में खासी मदद की, जिसका नतीजा है कि यहां 18 सीटों पर बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया है। और चूंकि राज्य में 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी यहां के मंत्रियों की तादाद बढ़ा सकती है। बंगाल से ही लगे पड़ोसी सूबे ओडिशा को लेकर भी चौंकाऊ फैसले हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की निगाहें लंबे अरसे से इस राज्य पर टिकी थी। राज्य में विधानसभा चुनावों के साथ हो रहे लोकसभा चुनाव में जहां विधानसभा चुनावों में भले ही बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन लोकसभा की 8 सीटें अपनी झोली में डाल ली। इसी तरह तेलंगाना में 4 सीटें आने की वजह से एक एक मंत्री का पद पक्का हो सकता है। कर्नाटक की 28 सीटों में से 25 पर मिली जीत से 2-3 सांसदों की मंत्री पद की दावेदारी बढ़ गई है। इसके अलावा क्लीन स्वीप राज्यों राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी चेहरे शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो इस तरह से अलग अलग मानदंडों के मुताबिक मोदी कैबिनेट की जो नई तस्वीर हमारे सामने आ सकती है, अब हम आपको वो दिखाते हैं। इसमें से ज्यादातर चेहरे पुराने ही नजर आ सकते हैं, लेकिन कई अहम मंत्रालयों में नए चेहरे भी होंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र मोदी 30 मई की शाम को दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति ये समारोह राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाना है। माना जा रहा है कि मोदी के साथ ही कुछ और मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। न्यू इंडिया के लिए टीम मोदी कैसी होगी, इसे लेकर दिलचस्पी लोगों में बढ़ चुकी है। पिछली बार से ज्यादा सीटें लाकर जीतने वाले मोदी अपने सहयोगियों में किसको कैसा जिम्मा देंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन जिनकी दावेदारी पुख्ता नजर आती है, उन्हें लेकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। माना जा सकता है कि पीएम मोदी की नई कैबिनेट में अमित शाह, राजनाथ सिंह, रविशंकर प्रसाद, नितिन गडकरी, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, विनय सहस्रबुद्धे, अनुप्रिया पटेल, मेनका गांधी और रीता बहुगुणा जोशी जैसे चेहरे शामिल हो सकते हैं। ये वो नाम हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में न केवल शामिल किया जा सकता है, बल्कि इन्हें अहम पद भी मिल सकता है। अमित शाह जो अब तक पार्टी के अध्यक्ष रहे और राज्यसभा में जाते रहे, गांधीनगर से चुनाव जीतकर आए हैं। माना जा रहा है कि केंद्र में रक्षा मंत्री, वित्त या फिर गृह मंत्रालय जैसी जिम्मेदारी उठा सकते हैं। इसी तरह राजनाथ सिंह जो अब तक गृह मंत्री रहे, उन्हें फिर से कोर ग्रुप में शामिल करने के साथ ही किसी अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा यूपी से भी जीत कर आने वाले कई चेहरे जिसमें महिलाओं की तादाद ज्यादा हो सकती है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। इनमें मेनका गांधी, स्मृति ईरानी, रीता बहुगुणा जोशी और अनुप्रिया पटेल जैसे नाम शामिल हैं। मेनका, स्मृति और अनुप्रिया पहले भी मोदी टीम में शामिल रहे हैं। बहरहाल अब ज्यादा वक्त नहीं है, महज 2 दिन बाद ही टीम मोदी का चेहरा साफ हो जाएगा। 2024 के लिए किनके हाथ में विकास की चाबी होगी, ये तभी पता चलेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। मोदी सरकार का नया चेहरा 30 मई को सामने आ जाएगा, लेकिन इतना तो अभी सत्य है कि पीएम मोदी जिस प्रखर राष्ट्रवाद पर सवार होकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटे हैं वो उनकी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर होगा। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द जो पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो देता है। स्वतंत्र भारत का स्पिरिट समृद्ध भारत का स्पिरिट बन जाए, 2024 के पहले देश को हम नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द जो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक होने का एहसास दिलाता है, कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा देता है। सिर्फ एक ही भाव भारत माता। राष्ट्रवाद एक ऐसा शब्द जो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सबको एक रूपता के रंग में रंग देता है। चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक हर रैली में जब राष्ट्रवाद की बात दोहराई तो चुनावी पंडितों को भी काफी हैरानी हुई, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद थी कि चुनाव का वोट मोदी अपने 5 साल के काम पर मांगेंगे। लेकिन मोदी ने ये साफ कर दिया कि देश का विकास और राष्ट्रवाद अलग अलग नहीं है। समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। मोदी की राष्ट्रवाद की परिभाषा को समझने से पहले उनके काम को समझना बहुत जरूरी है। स्वच्छता अभियान, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, गरीबों के लिए आवास, शौचालय, किसान सम्मान निधि, ये सिर्फ योजना नहीं, ये सिर्फ नारे नहीं, बल्कि ये वो काम है जिसके बुनियाद पर नए आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही है, जिससे भारत एक बार फिर दुनिया का सिरमौर बन सके। खुले में शौच से मुक्त भारत मोदी है तो मुमकिन है, स्वस्थ तंदुरुस्त भारत मोदी है तो मुमकिन है। मैं आने वाले दिनों में मैं बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक नए भारत के निर्माण के लिए अपने राजनीतिक अनुभव से एक के बाद एक करके योजनाओं की नींव धरनी शुरू कर दी। भ्रष्टाचार और काले धन पर नकेल कसने के साथ बेनामी संपत्तियों पर शिकंजा कसने और कश्मीर में बैठे अलगाववादियों को बेनकाब कर आतंकी आकाओं को उनके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने तक, इन सभी फैसलों के पीछे मोदी का यही राष्ट्रवादी जज्बा था। सिर्फ 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 एक ही भाव भारत माता की जय, और कुछ नहीं। मोदी ने हर रैली हर भाषण में राष्ट्रवाद की चर्चा की, सेना के शौर्य को सर्वोपरि माना और देश की जनता में ये विश्वास पैदा कर दिया। जनता ने भी मोदी के इस राष्ट्र प्रेम को पुरजोर समर्थन दिया, क्योंकि राष्ट्रवाद वो धारा है जो कहती है कि नए भारत के निर्माण के लिए
उसकी सीमाओं का सुरक्षित हो, हर नागरिक सुरक्षित हो, सभी के लिए बराबर के कायदे और कानून हो और हर आदमी को वो सब अधिकार मिले जिससे किसी के बीच कभी कोई भेदभाव न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच में इस देश का हर परिवार हर व्यक्ति आता है, जिसमें राष्ट्र को तरजीह पहले और राजनीति बाद में होती है। मोदी की इसी राष्ट्रभक्ति ने इस आम चुनाव में ये साबित कर दिया कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस राष्ट्रवाद में सिर्फ सैनिक ही नहीं, जवान, किसान, बेटियां, सब कुछ शामिल होगा, क्योंकि मोदी के राष्ट्रवाद में मेक इन इंडिया से लेकर स्किल इंडिया तक सब कुछ समाहित है। देखिए नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं, ये जब हो जाता है तभी पता चलता है, ये सब जानते हैं और पिछले 5 सालों के कार्यकाल में पूरे देश ने देखा भी है और जान भी लिया है। लेकिन उनके करीबी सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक टीम का खाका हमने आपके सामने दे दिया है और 30 मई को ये आपके सामने भी आ जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि इसमें अनुभव और ऊर्जा का पूरा संतुलन होगा, क्षेत्रों का भी संतुलन होगा, सहयोगियों का भी समावेश होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कह दिया है कि जब उनके पास फोन जाए किसी सांसद के पास तो 2 बार क्रॉस चेक कर लें। तो जाहिर है कि इतनी आसानी से तो किसी को मंत्री पद मिलने नहीं वाला है, क्योंकि प्रचंड जीत के साथ वो आगे आए हैं तो जाहिर तौर पर उनके दावेदार भी बहुत ज़्यादा हैं।